महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अगर समय रहते उद्धव ठाकरे ने इस विवाद को नहीं सुलझाया तो महाराष्ट्र में हाहाकार मच सकता है, तबाही मच सकती है। राज्य में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। ऐसे में डॉक्टर्स ही अभी भगवान के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के सबसे खास संजय राउत ने इस बार डॉक्टर्स को लेकर विवादित बयान दे दिया है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स नाराज हो गए हैं और उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे से मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल पूरा मामला यह है कि संजय राउत ने बयान दिया है कि वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानते अपने पेशे के बारे में। एक डॉक्टर को क्या पता है, जब भी मुझे जरूरत होती है मैं कंपाउंडर से दवा लेता हूँ। संजय राउत की टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए MARD ने कहा कि मुख्यमंत्री कोरोना योद्धाओं के रूप में डॉक्टर्स की सराहना करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के सहयोगी उसी पेशे को बुरा मानते हैं। क्या हम इस तरह के बयान को सुनने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं? IMA ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण समय में हम सरकार और राजनेताओं को अग्रिम पंक्ति के वर्कर्स के साथ खड़े होते हुए देखना चाहते हैं। हम न केवल अपने लिए बल्कि हमारे ऊपर आश्रितों के लिए भी बहुत जोखिम का काम कर रहे हैं। हम डॉक्टर ऐसी नकारात्मक और अपमानजनक टिप्पणियों के साथ कुशलतापूर्वक और ईमानदारी से काम नहीं कर सकते। इस बयान की वजह से सभी डॉक्टर डिमोरलाइज्ड हैं और आपसे आवश्यक कार्रवाई करने की उम्मीद करते हैं। राउत ने ऐसे समय में डॉक्टर्स पर बयान देकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। अगर समय रहते उद्धव ठाकरे कार्रवाई नहीं करते हैं और कहीं डॉक्टर्स एसोसिएशन नाराज हो जाता है तो राज्य की स्थिति और बिगड़ सकती है। अब देखना होगा कि संजय राउत पर उद्धव ठाकरे क्या एक्शन लेते हैं। कुछ दिन पहले भी शिवसेना नेता संजय राउत ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के निजी जीवन पर टिप्पणी की थी। इस बयान को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत को सुशांत के भाई और BJP के विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने कानूनी नोटिस भेजकर माफी मांगने के लिए कहा था। नोटिस में संजय राउत को 48 घंटे का वक्त दिया गया है और कहा गया है कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ मुकदमा दाखिल किया जाएगा। इसके बाद संजय राउत ने यू टर्न लेते हुए कहा था कि मेरे कुछ बयानों का गलत मतलब निकाला गया है। सुशांत के परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है। मैंने तो बस ये कहा था कि सुशांत के परिवार को धैर्य रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।